بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سامعين كرام حاضرين إزام آج کا موضوع कौमों के बारे में सुनते इलाही अल्लाह ताला का दस्तूर कौमों के बारे में क्या रहा है कब अल्लाह ताला कौमों को उठाता है और कब अल्लाह ताला कौमों को गिरा देता है इन अल्लाह युगई रुमा कौमिन हता युगई रुमु सही अल्लाह किसी कौम के इनाम को सलब नहीं करता जब तक कि वह कौमें अपने इनाम के हक़ से दस्तबरदार नहीं हो जा जब उनमें इनाम की अहलियत नहीं रहती तो अल्लाह अपना इनाम उनसे वापस ले लेता है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का सुन्नत फ़िल्दी खलोमिन कब वलन तजद सुनत लाही तब्दीला जो पहली कौमें गुजरी हैं अल्लाह की सुन्नत अल्लाह का दस्तूर उनके बारे में यही रहा है कि जब उन कौमों ने अपना हक़ खो दिया और अपने हक़ से दस्तबरदार हो गई और अपनी अहलियत ज़ाय कर दी तो अल्लाह ताला ने उनसे इज़्ज़त छीन ली उनकी हुकूमत छीन ली उनकी जो साख थी वो ख़त्म कर दी गई जिस तरह अफराद का हाल होता है वही कौमों का भी हाल होता है अफराद एक एक फ़र्द मैं या आप या कोई और जैसे बचपन से गुज़रते हैं जवानी से गुज़रते हैं बुढ़ापे से गुज़रते हैं इसी तरह कौमों में बचपन भी आता है कौम बचपने की हालत में होती है फिर कौमों के ऊपर शबाब आता है अवत आती है फिर बुढ़ापा आता है इसमें लाल होता है बीमारियाँ अफराद पर भी तारी होती हैं कौमों पर भी तारी होती हैं शफा अफराद भी पाते हैं कौमें भी शिफा पाती हैं लेकिन अल्लाह का ये दस्तूर है कि कोई कौम को उस वक्त तक गिराई नहीं जाती जब तक कि इज्तमाही तौर पर उस कौम के अंदर फसाद न पैदा हो जाए निजी तौर पर कोई गुनाह हम करें कोठरी में बंद होकर जिसका किसी पर असर न पड़े तो हम बर्बाद होंगे इनसे गुनाहों का असर अफराद पर पड़ता है कौमों पर नहीं पड़ता लेकिन जब पूरी कौम खराब हो जाता है बिगड़ जाता है फासिल हो जाता है सड़कों के ऊपर गुनाह होने लगते हैं बाजारों के अंदर बेहई आम हो जाती है कौम बत कौम गुना का इरतकब करती तो फिर अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता और मोहलत नहीं देता फितरत अफराद से एकमा तो कर लेती है यानी अल्लाह ताला अफराधी गुनाहों से आँख बंद कर लेता है फ़रत अफराद से एकमा तो कर लेती है कभी करती नहीं कौमों के गुनाहों को माफ़ लेकिन कुदरत जो कौम बहसत कौम गुना करती है वो माफ़ नहीं होती वो अज़ाब की पकड़ में आ जाती है माँकान रबल कुर बेज व आहलहा मसल आए नबी तुम्हारा रब ऐसा नहीं है कि किसी कौम को खवा मखा बर्बाद कर दे अगर उस कौम में साले अफराद हैं अच्छे अफराद हैं तो उनको ख़राब नहीं किया जाएगा लेकिन जब कौम का मिजाज फासद हो जाए जब सलाह उनसे रुसत हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उनको मोहलत नहीं देता एक चीज़ मुसलमानों के जहन में बैठी हुई है और हम चाहते हैं कि वो साफ़ हो जाए और वो ये है ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون اور فرمایا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض یہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ جو صالح لوگ ہوں گے وہی حکمران ہوں گے وہی زمین کے وارث ہوں گے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے صالح عمل کیے کہ ان کو حکومت عطا کرے گا तो यहाँ साले से क्या मुराद है आम तौर पर यह समझा जाता है साले वो है जो मस्जिद में पाबंदी से नमाज़ पढ़ता है रमज़ान का महीना आता है तो रोज़ा रखता है हज को चला जाता है नफलों पर नफलें करता है उसको और कुछ मालूम नहीं कि कौमें किस तरह चलाई जाती हैं मुल्क का इंतज़ाम किस तरह से किया जाता है मुल्क की हरबी क़वत किस तरह बढ़ाई जाती है उसको ये कुछ नहीं मालूम है तो उसको भी साले कहा जाएगा वो इमामत के तो लायक हो सकता है लेकिन हुकूमत के लायक नहीं हो सकता ये नेकियां अपनी जगह पर हैं मुसलमानों के अंदर ये बैठा हुआ कि साले के माना ये हैं जो मस्जिद पकड़ ले जो मदरसा पकड़ ले जो खानकाह पकड़ ले नहीं भाई हुकूमत में साले के माना होते हैं हुकूमत करने की सलाहियत नेक तो उसको होना ही चाहिए गुनाहों से उसको तो बचना ही चाहिए लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि कौम की फ़ौजी ताकत को बढ़ाए उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि कौम की इकतदी मुल्क की इकतसदी हालत को बढ़ाए उसको यह सलाहियत होना चाहिए कि वो मुल्क को किस तरह जोड़े और लोगों को किस तरह अपने काम के लिए इस्तेमाल करे इंतजामी सलाहियत फ़ौजी सलाहियत तालीमी सलाहियत यह है सलाहियत के माना मुसलमानों ने पाँच सौ साल तक उनके पास सलाहियत थी और उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर से लोहा अपना मनवाया और अपना सिक्का चलाया लेकिन उसके बाद फिर मुसलमान सो गए और अपने बाप दादा के बिछाए हुए बिस्तर पर लेटे रहे दिमाग से अक्ल से काम लेना छोड़ दिया अल्लाह ताला की सुन्नत यही है कि जो दिमाग से और अक्ल से कौम काम नहीं लेती वो कमज़ोर हो जाती है तालीम एतबार से भी कमज़ोर हो जाती है और इकतसदी एतबार से भी कमज़ोर हो जाती है पाँच सौ साल तक मुसलमान सोते रहे और यूरोप जागता रहा उसने अपनी तालीमी सलाहियत बढ़ाई उसने अपनी फ़ौजी सलाहियत बढ़ाई उसने दिल और दिमाग से काम लिया और मुसलमान आराम से चैन की बंसी बजा रहे थे सो रहे थे उसके बाद अचानक यूरोपीय कौमों का सैलाब आया मुसलमान मुल्कों में वो सो रहे थे गहरी नींद से उठे आंखें मलते हुए तो देखा कि सैलाब उनके सरों पर आ गया है कलम की ताकत इल्म की ताकत और हुस्न व जमाल का फरेब उनके पास कलम भी था उनके पास इल्म भी था उनके पास फ़ौजी सलाहियतें भी थीं, उनके पास नित नए हथियार भी थे और फिर उनके पास लोगों को वरगलाने के लिए और अपने दुश्मन को माशियत में मबला करने के लिए औरतें भी थीं उन्होंने सारे हथियारों से काम लिया कलम की ताकत फ़ौज की ताकत और हस्न जमाल का फरेब मुसलमानों से झेला नहीं जा सका मुसलमान पहले ही सदमे के अंदर उन्होंने हथियार डाल दिए जुआ रख दिया ये तो अल्लाह की सुन्नत है तुम चैन की बंसी बजाओगे दूसरे लोग मेहनत करेंगे तुम दिलो दिमाग को इस्तेमाल नहीं करोगे वो दिलो दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि इज़्ज़त उनको मिलेगी तनासानियाँ चाहें और आबरू भी वो कौम आज डूबेगी घर कल न डूबी जो लोग ये चाहते हैं कि आराम भी करें और इज्जत भी बची रहे तो ये कभी नहीं हो सकता जिन लोगों को इज्जत की हिफाजत करनी होती है वो आराम को तलाक दे देते हैं आराम में इज्जत नहीं है मशक्क़त में इज्जत है एक बादशाह ने अपने शहदादे को सिपेसाल बनाकर भेजा पीछे से एक साननी सवार यानी घोड़सवार को भेजा ख़त लिख कर कि बेटा तुझको मैंने सिर्फ बनाया एक बात मैं लंबी बातें नहीं कहता हूँ सिर्फ एक बात इसको याद रखना और वो ये है कि अल्लाह ने इज्जत में और राहत में बैर रखा है या तो आराम ले लो या इज़्ज़त ले लो अगर आराम ले लो तो जिल्लत की ज़िंदगी पर राज़ी हो जाओ और अगर इज्जत की ज़िंदगी चाहते हो तो तुमको मशक्कत करनी पड़ेगी तुमको मेहनत करनी पड़ेगी तुमको किसी वक्त भी चैन नहीं होना चाहिए तो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है मशक्क़त में अल्लाह ने इज्जत रखी है मुजाहिदे में वल्लिन सुबुलना जो लोग जद्दोजहद करते हैं जो लोग कोशिश करते हैं हम उनको अपनी हिदायत का रास्ता दिखाते हैं उनके ऊपर हिदायत के दरवाज़े खोलते हैं यूरोप ने क्या किया सब चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लिया अब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं अंजन यूरोप के हाथ में है तो अंजन का ड्राइवर ट्रेन को जिस रुख पे ले जाएगा उसी रुख पे हमको जाना पड़ेगा अगर हम उस रुख पे नहीं जाना चाहते तो ज़्यादा ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि अगर हम बैठे हैं पूरब की तरफ तो पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, सीट नशस्त बदल दें सीट का रुख बदल दें तो सीट के रुख के बदलने से गाड़ी का रुख नहीं बदलेगा गाड़ी का रुख तो जब बदलेगा जब अंजन पे आप कब्ज़ा करें और अंजन के ड्राइवर आप बन जाएं। अंजन पर तो कब्ज़ा यूरोप का है अंजन को तो यूरोप चला रहा है जिस रुख के ऊपर वो चलाना चाहता है उस रुख पे आपको चलना पड़ेगा दोस्तों याद रखने की चीज़ है कि मगरबी तहजीब और इस्लामी तहजीब इन दोनों में कोई जोड़ ही नहीं है मगरबी तहजीब नाम है इलाहाद का मगरबी तहजीब नाम है बेदीनी का मगरबी तहजीब नाम है मादा परस्ती का मगरबी तहजीब नाम है बेहयाई और नस परस्ती का इस्लाम गाड़ी पश्चिम की तरफ जा रही है और यूरोप की गाड़ी मशरक़ की तरफ जा रही है दोनों गाड़ियों के अलग, अलग अलग रुख हैं अगर दोनों गाड़ियों में आप एक पैर इसमें रखते हैं और एक पैर उसमें रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपके दो टुकड़े हो जाएंगे आपको तो एक गाड़ी का इंतख्य करना पड़ेगा या तो इस्लामी तहजीब की गाड़ी का और या यूरोपियन तहजीब की गाड़ी का हाजरीन वक्फे का वक्त हो गया है वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं तो आपको इंतखब करना पड़ेगा क्या आप इस्लामी तहजीब की गाड़ी में बैठ रहे हैं या यूरोपियन तहजीब की गाड़ी में बैठ रहे हैं आज यूरोप के पास फितना है वो खुदा को छोड़ बैठे हैं और खुदा को छोड़कर खुदी के बंदे और खुदी के गुलाम और खुदी के परिस्तार हो गए नसुल्लाफ अनसा अनफुस अल्लाह को भूल गए खुदी के ग़ुलाम हो गए नतीजा क्या हुआ कि खुदी ने तकबर ने बेजा मैं अना ने उनको तरह तरह की परेशानियों में मुबतला कर दिया आज यूरोप की दी हुई क्या क्या परेशानियाँ हैं आपको मालूम है उनकी तिजारत को देखिए उनकी मीषत को देखिए उनकी माशरत को देखिए उनकी सियासत को देखिए यूरोप की सियासत क्या है वतन परस्ती कौम परस्ती रंग परस्ती अब तो बहुत कुछ दुनिया के शर्मया की वजह से कुछ चीज़ें कम हो गई वरना अमेरिका में कालों की गाड़ियाँ अलग थी गोरों की गाड़ियाँ अलग थीं कालों की बसें अलग थीं गोरों की बसें अलग थीं कालों के स्कूल अलग थे गोरों के स्कूल अलग थे रंग और नस्ल का फ़र्क यूरोप में अपने उर्ज पर था नतीजा क्या होता है रंग और नस्ल के लोग काले गोरों के दुश्मन और गोरे कालों के दुश्मन गोरे कालों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं काले गोरों को बर्दाश्त करने के लिए ये वतन परस्ती ये नस्ल का और रंग का फर्क और इम्तिया ये सब यूरोप का दिया हुआ है सियासत का उनके हाल ये है कि वतन उनके यहाँ बुत है वतन की पूजा करो और नाक न देखो इसी तरह और नस्ल उनका एक बुत है और नस्ल के लिए सियासत करते हैं और औररत का हाल क्या है यानी रहन सहन उनका कैसा है बेहयाई बेशर्मी, जिना, शराब नोशी बदकारी ये उनके माशरे के अंदर आम है कोई गली कोई कोचा कोई मकान बेहयाई शराब नोशी हवस परस्ती से खाली नहीं और तजारत का हाल क्या है तजारत का हाल ये है कि खुद गर्जी अपने भाई को तजारत के लिए मौत के घाट उतार देना विरादर खुशी ये है उनकी तजारत का खुलासा दोस्तों जो दरख्त यूरोप ने लगाया है उस दरख्त के फल तो मीठे हैं लेकिन उस मिठास के अंदर जहर घोल दिया गया है जो इसकी टहनियाँ है, तो हैं बज़ाहिर तो पुरबहार हैं ये बड़ी बहार आ रही है इन टहनियों से सरसद व शादाब हैं लेकिन वो हवाएं आग उगल रही हैं इनके तहजीब के शायब में जो तलखियाँ हैं उन तलखियों को आप अंदाज़ा नहीं कर सकते और ये खुद अपनी दी हुई तहजीब से परेशान हैं पहले सरमायादारी थी सरमायादारी को सही करने की कोशिश की तो इश्तराकियत यानी कम्युनिज्म आ गया कम्युनिज्म को सही करने की कोशिश की जमहूरीत को लाए तो जमहूरियत से डिक्टेटरशिप वजूद में आ गई घर की मीशत और घरेलू तल्ल को सही करने की ज़रूरत महसूस की तो बर्थ कंट्रोल वजूद में आ गया मुसीबत में पड़ा है सीने वाला चाके दामा का इधर बांधा उधर टूटा उधर बांधा इधर टूटा तो खुदा के ऊपर तो बुनियाद है नहीं इस तहजीब की दियारे मगरब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुखा नहीं है कमज़ोर शाख के ऊपर अगर घोसला बनाया जाएगा तो कमज़ोर शाख के ऊपर घोसला बरकरार नहीं रहेगा शाख टूटेगी तो घोसला जमीन के ऊपर आ जाएगा तो मगरबी तहजीब का घोसला उसका आशियाना मादा परस्ती और नस्ल परस्ती के ऊपर कायम है इसलिए किसी न किसी दिन इसको फना होना ज़रूरी है मगर फना करने के लिए अल्लाह ताला जरिया नेक लोगों को ही को बनाएगा कुछ नेक लोग उठेंगे और वो अंग्रेज़ी तहजीब की गंदगी से नकाब उठा देंगे और अच्छी तहजीब उसकी जगह पर लाएंगे मगर इस तहजीब के ऊपर से नकाब उठाना और अच्छी तहजीब को वजूद में लाना इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी जब दिमाग से सोचना आपने छोड़ दिया जब तालीम की तरक्की से आप दस्तबरदार हो गए तो गोया कौमों की इमामत और कौमों की रहनुमाई करने से आपने इस्तीफ़ा दे दिया आपने खुद शक्स्त तस्लीम कर ली आपने खुद अपने पैरों पर पे कुल्हाड़ी मारी इसलिए अपने आप को बदलना पड़ेगा और सबसे पहले तो इल्मी इनकलाब आता है फिक्री इनकलाब आता है उसके बाद फिर अमली इनकलाब आता है कबल को फसीरु फिलउ फंजरु कैफ़ाना आके बतलमकिन इससे पहले भी जिन कौमों का पैमाना लबरेज हो गया अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया और वो तबाह बर्बाद कर दी गई अल्लाह ताला फरमाता है वही अरदना अनुलिगा करियतन अमरना मुतरफी हा फकूफी हा फल क़ौल पदम मरना हा तदमीरा जब हम किसी कौम को बर्बाद करना चाहते हैं तो जो उसका आसुदा हाल तबका होता है उसको हम हुकम देते हैं कि इस पर अमल करो इस पर अमल करो जब वो हमारे अहकाम को नज़रअंदाज करता है और अयाशी में मुबतला हो जाता है और फिसू में मुबला हो जाता है तो फिर हम उनको पकड़ लेते हैं और फिर हम उनको मौका नहीं देते तो इस ज़रूरत है कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी की तजदीद करें और अपने अंदर हुक्मरानी की इज्जत पाने की सलाहियत पैदा करें हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी और जब हम कोशिश कर लेंगे तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमारी तकमील होगी और हमारी कोशिश बराबर होगी और हम अपनी मंजिल से आशना होंगे याद रखिए कि अल्लाह का जो ये मजहब है ये बकरियों के लिए नहीं आया है ये गीदड़ों के लिए नहीं आया है ये उन लोगों के लिए नहीं आया है जो गिर गिर की तरह रंग बदलते हैं सुबह उनका रंग कुछ होता है और शाम का रंग कुछ होता है सदा एक रुख पर नहीं नाव चलती चलो तुम तो उधर को हवा हो जिधर की जो हर दरिया के बहाव में बह जाते हैं जो हर हवा के रुख पे चल पड़ते हैं ये आया है शेरों के लिए जो हवा के रुख पे चलने के लिए पैदा हुए बल्कि हवा का रुख बदलने के लिए पैदा हुए हैं एक बात याद रखने की है कि किला हिफाज़त करता है आदमी की लेकिन कौन सा किला हिफाजत करता है आदमियों की किला वो हिफाजत करता है जो पत्थरों से जो कंक्रीट से तैयार किया जाता है लेकिन अगर फूस के पुलों से कोई किला बनाया जाए फूस के गठर इकट्ठे कर दिए जाए ऊंची दीवार फूस की बनाई जाए दाई तरफ और बाई तरफ तो फूस का किला काम नहीं आएगा चाहे आसमान तक ऊंची हो उसकी दीवारें किला वही काम आएगा कि जो मजबूत मसाले से तैयार किया गया हो ये ज़ायरान हरी में मग़रब हज़ार रहबर बने हमारे ये अंग्रेजी तहजीब के दिलदादा लोग चाहे जितनी रहबरी का दावा करें ये जरान हरी में मग़रब हज़ार रहबर बने हमारे मगर हमें इनसे वास्ता क्या जो तुझसे नाशना रहे हैं मगर अल्लाह जो तुझको नहीं जानते जो रसूल को नहीं जानते ये अंग्रेजी तहजीब के दिल दादा ये हमारे किसी काम के नहीं हैं तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी आए अंग्रेजो तुम्हारी तहजीब खुद फना हो जाएगी कि शाख नाजुक पे आशियाना जो होगा नापायदार होगा क्योंकि कमज़ोर टहनी के ऊपर जो अब बनाया जाएगा वो ज़मीन पे आ जाएगा टहनी टूटेगी और वो ज़मीन पर आ जाएगा अल्लाह अपनी सुन्नत को नहीं बदलता अल्लाह ताली चाहता है कि मुसलमान अपने अंदर इसताक़ पैदा करें जब वो इसक़ पैदा करेंगे तो अल्लाह की सुन्नत है कि कोई कौम अगर अपने अंदर सलाहियत पैदा करती है तो फिर अल्लाह उसको इज़्ज़त अता करता है वलक़द कतबना वो लक़त का अर्ज़ फिर जबूरी इबादियन हमने ज़बूर के अंदर ये जिक्र किया था कि जो हमारे साल बंदे हैं वही वारिस होंगे साले के माना सलाहियत रखने वाले साले के माना लियाकत रखने वाले जो हुक्मरानी की लियाकत रखते हैं जो सरबराही की सलाहियत रखते हैं अल्लाह ताला उनको सलाहियत की बुनियाद पर हक़ देगा इज्जत देगा अमार रबी आबीद तेरा रब अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है कि वो किसी इनाम के मुस्तक हों और फिर उनको इनाम न दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता किसी ने एक मर्द दाना से पूछा कि नेमत है दुनिया में सबसे बड़ी क्या एक अक्लमंद से किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम क्या है किसी ने एक मर्द दाना से पूछा कि नेमत है दुनिया में सबसे बड़ी क्या कहा अक्ल जिससे मिले दीन और दुनिया कहा अक्ल सबसे बड़ी नेमत है इसे दीन भी मिलता है दुनिया भी मिलती है कहा गर न हो इससे इंसान को बहरा उसने कहा कि अगर अक्ल न हो किसी को तो कहा फिर अहम सबसे हुनर है कि जो बाखार बशर है तो उन्होंने काफ़ी इल्म और हुनर होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिस पर इंसान फ़खर कर सकता है कहा गर न हो यह भी उसको मैसर कहा माल दौलत है फिर सबसे बढ़ कर कहा फिर मालदार होना चाहिए कहा दर हो ये भी अगर बंद उस पर अगर ये दरवाजा भी उसके ऊपर बंद हो कहा उस पर बिजली का गिरना है बेहतर कहा उसका तो मर जाना बेहतर है वो नंगे बशरता की जिल्लत से छूटे खलाय सब उसकी नहूसत से छूटे तो दोस्तों दानश्वर अक्लमंद फलासफा दुनिया की नब्ज टटोलने वाले क्या कहते हैं अक्ल होनी चाहिए इल्म हुनर होना चाहिए मालो दौलत होना चाहिए ना आपके पास अक्ल है ना आपके पास इल्म हुनर है आप दुनिया की सबसे गरीब कौम बने हुए हैं तो आप ख़ुद बताइए कि आपको ज़िंदा रहने का क्या हक़ है ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने तमाम खजानों के ऊपर कुंजी ताला लगा दिया है तमाम ख़जाने मुकफल हैं अगर ख़जाने मुक्ल होते तो सब कौमों के लिए होते सब कौमों के लिए ख़जाने खुले हुए हैं आपके लिए मुकफल हैं ऐसा तो नहीं है उसके अलताफ़ तो हैं आम शहीदी सब पर अल्लाह की मेहरबानियाँ तो हर शख्स पर हैं शहीदी एक शायर है। वो कहता है उसके अलताफ़ तो हैं आम शहीदी सप पर अय शहीदी अल्लाह की महरबानियाँ तो सब पर हैं अरब पर हैं अजम पर हैं मुसलमानों पर हैं हिंद सब के ऊपर नसरानियों पर उसके अल्ताफ़ तो हैं आम शहीदी सब पर तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता अगर तुम किसी काबिल होते तो अल्लाह को तुमसे जिद नहीं थी तुम तो उसके प्यारे नबी की उम्मत में हो तुम पर तो और ज़्यादा रहम अल्लाह का होना चाहिए लेकिन कुछ तुमको करने की ज़रूरत पड़ेगी एक बारिश तुम बढ़ोगे अल्लाह की तरफ तो एक हाथ अल्लाह की रहमतें तुम्हारी तरफ़ बढ़ेंगी الله تعالى عمل کی توفیق عطا واخر دعوانا للحمد الحمد لله رب العالمين